सर ये बहुत अच्छा मोदी जी ने, जय श्री राम, मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का। और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। सर लगभग अमूमन महीने में कितना तेल डलवाते हैं, महीने में कितनी? हमारा 50,000 रुपए का तेल डलता है, सब गाड़ियों में डलता है महीने का। कितना लगभग बच जाएगा आपको? 2-3 हजार तो बचेंगे। देखिए घटा है तो अच्छी बात है कि घटा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजें किए। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपए महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपए घटाई है बहुत अच्छी बात है और काफी राहत देश को मिलेगी, लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार भी इसमें वैट घटा दे तो काफी राहत हम दिल्ली वालों को मिल जाएगी। कितनी राहत मानते हैं, लगभग महीने में कितना पैसा इससे बच जाएगा, कितना खर्च होगा? एक जो मीडियम क्लास का, जो परिवार का, जिसके पास बाइक है, छोटी गाड़ियां है, उनको काफी राहत मिलेगी। जो पहले टंकियां भरवा नहीं भरवा सकते थे वो टंकियां भरवा लेंगे और काफी इससे राहत की दिल्ली वालों को मिलेगी। डीजल कम होने से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो किसान परिवार पर पड़ेगा। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारे जो ट्रकों में आती हैं, बड़े बड़े वाहनों में आती हैं, उससे किराए में कम होगा तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, जो महंगाई भी कम हो जाएगी। जो महंगाई की मार जो ये देख रहे हैं कि अब डीजल सबसे अहम भूमिका निभाता जी। डीजल अगर सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी, और डीजल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कारोबार ही नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, तो क्या महंगाई और क्या सस्ता बताइए। पेट्रोल और डीजल जब हमारे जाते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। भाई जॉब ही नहीं है लोगों के पास, कारोबार ही नहीं है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो पेट्रोल वेट्रोल के पैसे कहाँ से लाएगा बंदा, कहाँ से करेगा सर? अब बताओ। अब इससे कुछ राहत मानते हैं? हाँ कुछ राहत तो है कि कुछ जेब में आमदनी 2-3 रुपए के हिसाब से, लेकिन थोड़ा और जितना कम हो जाए पेट्रोल के दाम इतना अच्छा अच्छा हुआ है सबको फायदा से। आने टाइम में वो बच्चों हुआ ना, बच्चों के लिए अच्छा हुआ है। पहले तेल महंगा होता रहता है, 2 साल में अब कम हुआ है। या तो 50 का डलवाते हैं तो 60 का, अब थोड़ी तो राहत मिली है, जो 100-200 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है हमें। हाँ वो तो मिलेगी बेशक, थोड़ी तो राहत मिलेगी। सर नाम बताइए। सर राजेश सांगवान नाम है मेरा। जो है मोदी जी ने जो पेट्रोल घटाया है अभी, बहुत अच्छा किया है, भले ही 2 रुपए घटाया है, कुछ न कुछ तो राहत दी है। एक आम इंसान को राहत चाहिए इस टाइम जो है। नहीं वैसे भी तो महंगा तो है ही है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है। नहीं कम तो होना चाहिए, और कम होना चाहिए। हाँ जी जी, आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए रेट कम किया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा है, वैसे तो इलेक्शन भी पास आ रहे हैं, उसके करके भी हो सकता है, पर लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा है। अच्छा हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो लोगों को फायदा होगा, उसका बेनिफिट होगा। हाँ तो आप देखते हैं महंगाई में राहत मिलेगी? हाँ बिल्कुल रहेगा, महंगाई में राहत मिलेगी। राहत तो नहीं है, पर ऐसे ही धीरे धीरे अगर कम करते रहे तो आगे चल के शायद और राहत मिल जाए हमें, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, शायद आगे जाके और कम हो पेट्रोल के दाम। सर ये बहुत अच्छा मोदी जी ने, जय श्री राम, मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का। और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200-300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। सर लगभग अमूमन महीने में कितना तेल डलवाते हैं, महीने में कितनी? हमारा 50,000 रुपए का तेल डलता है, सब गाड़ियों में डलता है महीने का। कितना लगभग बच जाएगा आपको? 2-3 हजार तो बचेंगे। देखिए घटा है तो अच्छी बात है कि घटा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं
और इतनी बड़ी बड़ी चीजें किए, तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपए महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपए घटाए हैं बहुत अच्छी बात है और काफी राहत देश को मिलेगी, लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार भी इसमें वैट घटा दे तो काफी राहत हम दिल्ली वालों को मिल जाएगी। कितनी राहत मानते हैं, लगभग महीने में कितना पैसा इससे बच जाएगा, कितना खर्च होगा? एक जो मीडियम क्लास का जो परिवार का जिसके पास बाइक है, छोटी गाड़ियां है, उनको काफी राहत मिलेगी। जो पहले टंकियां भरवा नहीं भरवा सकते थे वो टंकियां भरवा लेंगे और काफी इससे राहत की दिल्ली वालों को मिलेगी। डीजल कम होने से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो किसान परिवार में पड़ेगा। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारे जो ट्रकों में आती हैं, बड़े बड़े वाहनों में आती हैं, उससे किराए में कम होगा तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, जो महंगाई भी कम हो जाएगी। जो महंगाई की मार जो ये देख रहे हैं कि आप, डीजल सबसे अहम भूमिका निभाता जी। डीजल अगर सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी, और डीजल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कारोबार ही नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी तो क्या महंगाई और क्या सस्ता, बताइए। पेट्रोल और डीजल जब हमारे जाते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। भाई जॉब ही नहीं है लोगों के पास, कारोबार ही नहीं है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो पेट्रोल वेट्रोल के पैसे कहाँ से लाएगा बंदा, कहाँ से करेगा सब, अब बताओ। अब इससे कुछ राहत मानते हैं? हाँ कुछ राहत तो है कि कुछ जेब में आमदनी 2-3 रुपए के हिसाब से, लेकिन थोड़ा और जितना कम हो जाए पेट्रोल के दाम इतना अच्छा है। अच्छा हुआ है सबको फायदा, इससे आने टाइम में बच्चों का न बच्चों के लिए अच्छा हुआ है। पहले 3 रुपए महंगा होता रहता है, 2 साल में अब कम हुआ है। या तो 50 का डलवाते हैं तो 60 का, अब थोड़ी तो राहत मिली है, जो 100-200 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है हमें। हाँ वो तो मिलेगी बेशक, थोड़ी तो राहत मिलेगी। सर नाम बताइए। सर राजेश सांगवान नाम है मेरा। जो है मोदी जी ने जो पेट्रोल घटाया है अभी, बहुत अच्छा किया है, भले ही 2 रुपए घटाया है, कुछ न कुछ तो राहत दी है। एक आम इंसान को राहत चाहिए इस टाइम जो है। नहीं वैसे भी तो महंगा तो है ही है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है। नहीं कम तो होना चाहिए, और कम होना चाहिए। हाँ जी जी, आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 2-2 रुपए रेट कम किया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा है। वैसे तो इलेक्शन भी पास आ रहे हैं, उसके करके भी हो सकता है, पर लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, अच्छा हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो लोगों को फायदा होगा, उसका बेनिफिट होगा। हाँ तो आप देखते हैं इससे महंगाई में राहत मिलेगी? हाँ बिल्कुल रहेगा, महंगाई में राहत मिलेगी। राहत तो नहीं है पर ऐसे ही धीरे धीरे अगर कम करते रहे तो आगे चल के शायद और राहत मिल जाए हमें, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, शायद आगे जाके और कम हो पेट्रोल के दाम।